क्षण मेरा, पल पल में यूं यूं में हर क्षण मेरा, हर मन में धड़कन मेरा। आप सभी का स्वागत है। आप सभी का ब्रेक के बाद लगातार हम राम की पैड़ी पर मौजूद हैं और आपको यहाँ के हर एक अपडेट दे रहे हैं। यहाँ पर भी आपको बता दूं, साधु संत समाज के पहुँचने का सिलसिला जारी है, क्योंकि ये सरयू का किनारा है। यहाँ पर सभी लोग आते हैं, आचमन करते हैं। सरयू वो है जो जिनका प्रकटीकरण कालांतर से लगातार बना हुआ है। वो सतयुग में भी रही जब श्री राम ने लीलाएं की, जब श्री राम ने असत्य पर सत्य की जीत को स्थापित किया, और वो आज भी बीच में मौजूद है। तो कालांतर के बावजूद सरयू एक ऐसी जीवंत मात्र स्वरूप नदी इस देश की है, जिन्होंने बहुत सारे युग, बहुत सारे काल जो है अपने समय में देखे हैं। तो साधु संत समाज की मौजूदगी यहाँ पे है, फूलों से भव्य सजावट यहाँ पर है, एक बड़ी एलईडी स्क्रीन यहाँ पर लगी रहती है, जिस पर आप बड़े कार्यक्रमों का अपडेट लगातार देख सकते हैं। और साथ ही साथ अयोध्या में जो माहौल राममय है वो तो बना ही हुआ है। वीणा चौक, आप राम की पैड़ी से ठीक आगे वीणा चौक पर अगर चले जाइएगा तो वहां तो अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। और उससे ठीक आगे लोक कलाकार अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं, अलग अलग जगह मंच बनाए गए हैं, देश के अलग अलग राज्यों से आकर लोग बाग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दे रहे हैं, भव्य नृत्य किया जा रहा है, राम धुन वहां पर चल रही है, जगह जगह भजन चलाए जा रहे हैं, स्पीकर्स लगाए गए हैं। और साथ ही साथ ये जो निशान यानी कि ध्वज आप देख रहे हैं जगह जगह भगवा रंग के, जिन पर श्री राम की आकृति बनी हुई है, हनुमान जी की आकृति बनी हुई है, वो पूरी अयोध्या में आपको पटे हुए नजर आएंगे। इतना ही नहीं, वाहनों पर भी लोग लगा करके उसको चल रहे हैं, क्योंकि वो असल में एहसास करना चाहते हैं कि आज वाकई जिस रामयुग की एहसास हो रही है, तो श्री राम से जुड़े हुए हर एक प्रतीक चिन्ह को भी उसी भव्यता से आज लहराया जाना चाहिए, सबके बीच में प्रदर्शित किया जाना चाहिए।